चलिए बैड इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बैड इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में सोचता है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो अगर आप पहले ही गलती कर दें कि आप कुछ भी रिसर्च ना करें और आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दें, तो दोस्तों उसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है। या तो आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद वो पैसा आपका वहीं लगा रह जाता है। अगर आपने उसे निकाल भी लिया तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपका टाइम भी चला जाएगा। और वहीं अगर आपने उसे लगाए ही रखा तो हो सकता है वो कंपनी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल करे या वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो इससे आपका भी पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इसलिए बैड इन्वेस्टर बहुत बुरी तरीके से कंगाल हो जाते हैं। जो लोग स्पेकुलेटर होते हैं, जो लोग दूसरे की सुनते जाते हैं या मार्केट के फ्लो के हिसाब से बहते जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो जाते हैं या उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वो अपना ज़िंदगी भी ठीक से चला पाए। क्योंकि उनके पास ना तो कुछ नॉलेज होता है, ना ही कुछ एक्सपीरियंस होता है, उनके पास ढंग का स्किल भी नहीं होता है। वो लोग पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी लोगों की बात में आ जाते हैं या किसी भी ब्रोकर को हायर कर लेते हैं और जो ब्रोकर कहता है उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। खुद का उनके पास कोई भी नॉलेज ही नहीं होता है, इसलिए वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको जो भी करना है इन्वेस्टमेंट करने के पहले करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ से पूरा कंट्रोल ही चला जाता है। और अगर आप उसके बाद में कुछ भी करें तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप या तो उसे बाय करेंगे या सेल ही करेंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं इसी कारण से बहुत से लोग या बहुत से इन्वेस्टर जो बैड इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग अपने पैसे पूरे स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट में हार जाते हैं, उनका कारण ही यही होता है। वो लोग पहले तो धड़ाधड़ स्टॉक खरीदने लग जाते हैं या इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, और उसके बाद में जब उन्हें उन कंपनी के सच्चाई का पता चलता है या उन कंपनी के बारे में कहीं कहीं खबर मिलती है, तो वो लोग उन खबर के मुताबिक ही अपना माइंडसेट चेंज करने लग जाते हैं या अपने एक्शंस को चेंज करने लग जाते हैं, जिनके कारण वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर चीज़ सीखें, पर आपको बेसिक चीज़ें तो सीखना ही चाहिए। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा चीज़ किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट काम करता है। अगर आप कुछ भी ना जाने और सिर्फ बिना नॉलेज के ही स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट छलांग लगा दे, तो आप बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे या आप बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास इतना भी पैसा नहीं रहेगा कि आप दोबारा खड़े हो जाएं या दोबारा अपने लाइफ को सही ट्रैक पर ले पाए। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी करना है वो इन्वेस्टमेंट करने के पहले करें, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। धन्यवाद।